नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी दोस्तों एमसीक्यूज, और अब हम लोग दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के एमसीक्यूज करेंगे। दोस्तों, इतिहास अपने आप में एक अलग ही चैप्टर दिखता है कि इतिहास के तीन पार्टों को विभक्त करके हम लोग पढ़ते हैं, और हम सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो फिर चलते हम लोग और देखते हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल प्राचीन भारतीय इतिहास में पहला चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इतिहास काल से पूर्व युग की कहानी। पूर्व युग की कहानी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, स्टोरी को क्या कहते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल दोस्तों कहते हैं, इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो प्रागैतिहासिक काल को भी हम लोग जो है कई पार्टों में विभक्त करके देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हम लोग बात करें अब प्रागैतिहासिक का मतलब होता है कि हम लोग बात करेंगे, जैसे बात करें पूर्व पाषाण काल की बात करें और फिर मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। अब देखिए, नवपाषाण काल तीन पार्ट्सों में विभक्त है, ठीक है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। इसका मतलब होता है कि देखिए, इसको मिसोलिथिक पीरियड बोलते हैं, इसको नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, इसको जो है पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। इसको भी हम लोग तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं दोस्तों। कैसे विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं निम्न पुरा पाषाण काल और इधर हम लोग कर सकते हैं मध्य पुरा पाषाण काल, ठीक है ना। और इधर हम लोग कर सकते हैं उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है ना दोस्तों, उच्च पुरा पाषाण काल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन पीरियड पर हम लोग डिवाइड करके प्रागैतिहासिक काल को देखते हैं दोस्तों। और इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और देखिए, सबसे पहले तो यदि हमारे टेलीग्राम सभी लोग नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, फेसबुक आईडी से भी आप लोग। और देखिए, अभी तक जिन लोगों ने सिलेक्शन मेंटर के नाम से हमारी कोचिंग संस्था का नाम है और इसे यूट्यूब चैनल भी नेम है, इसी के माध्यम से आप सारे यूट्यूब जब सर्च करेंगे हमारे सिलेक्शन मेंटर के नाम से, तो आपको बहुत सारे हमारे एमसीक्यूज की वीडियो, बहुत सारे जो है लेखपाल पुलिस से संबंधित जो भी कुछ जो अपडेटेड्स है वो आपको मिलते रहेंगे हमारे। और ये हमारे कोचिंग के फाउंडर हैं सर, धीरज सर जी। और देखिए, अगर आप यूपीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी ट्रिपलएससी की तैयारी करना और सारे बहुत सारे एग्जाम की अगर यदि तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जल्दी से जुड़ जाइएगा, ठीक है, और आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलते हैं हम लोग आगे और पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए, किस स्थान से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए, तो आपके सामने चार ऑप्शन है बागौर, दूसरा ऑप्शन है बुर्जहोम, तीसरा है मेहरगढ़ और चौथा है सराय नहर। ये चार ऑप्शन है आपके सामने और जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए और जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो ये चार ऑप्शन में आपका सही होगा दोस्तों बागौर। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, आपको बता दे, ये राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। और राजस्थान में सबसे पुराना सांच पशुपालन का मिला था, ठीक है। कहाँ मिला था दोस्तों, ये मिला था राजस्थान के बागौर जिले से, समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो और फिर देखिए, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद यदि हम लोग बुर्जहोम की बात करें तो देखिए, बुर्जहोम कहाँ है दोस्तों, तो ये कश्मीर में है। कहाँ है दोस्तों, कश्मीर में। जैसे अब अगर हम लोग मैप बना ले, ऐसे करके मैप बनाते हैं अगर दोस्तों, तो मैप बनाते समय
ध्यान रखिए यहाँ पर ये गुफ कराल पड़ता है, यहाँ पर गुफ कराल है, ठीक है, गुफ कराल है और गुफ कराल है यहाँ पर, और यहीं पर ये बुर्ज होम स्थित है दोस्तों, बुर्ज होम स्थित है दोस्तों, और यहाँ पर गुफ कराल मतलब गड्ढानुमी एक हमें सॉरी गड्ढानुमी गड्ढानुमा एक घर मिला है जहाँ पर समय मतलब मौसम के अनुसार लोग यहाँ पर रहा करते थे, ठीक है ना। तो ये हमें कश्मीर में प्राप्त हुआ है, ठीक है। बुर्ज होम के बारे में आप जान गए होंगे। एक पॉइंट्स और इसका बनता है, जैसे बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि जो है मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए, कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण, दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों, कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण वो भी बुर्ज होम से प्राप्त हुआ दोस्तों। कहाँ से प्राप्त हुआ है, बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन को देख लिया होगा, सेकंड ऑप्शन को देख लिया होगा, और अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन मेहरगढ़। अब सबसे बात ये करते हैं कि जो मेहरगढ़ है ये अगर देखा जाए तो यहाँ पुरानी साक्ष्य में हमें सबसे पहले क्या क्या मिला दोस्तों। तो पुराने साक्ष्य में जैसे हमें गेहूं की तीन किस्में ठीक है, और जौ की दो किस्मों के प्रमाण मिले ठीक है। मतलब ये कहा जा सकता है कि दोस्तों सबसे पहले हमें अनाज के साँच यहीं से मिले कहाँ से, यहाँ। और ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है दोस्तों। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये तीसरा ऑप्शन भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। और चौथे ऑप्शन में देखते हैं सराय नहर, ये क्या है, ये कौन सा स्थल है दोस्तों। और ये सराय नहर आपका बता दें कि ये उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ ज़िले में पड़ता है, प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है। और प्रतापगढ़ ज़िले में सराय नहर में एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि यहाँ पर हमें युद्ध के प्रमाण मिले कहाँ से, सराय नहर से। तो ये पहला ऑप्शन आपका, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले क्वेश्चन पर, और इसी आधार पर आप लोग जल्दी से बताइए। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला महदहा है, फिर दूसरा मेहरगढ़ है, और तीसरा बुर्जहोम है, और चौथा चिरांद है। तो ये चार ऑप्शन हैं जिनमें कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। तो इसमें दोस्तों सही होगा सी नंबर, बुर्जहोम। बुर्जहोम जो है वो कश्मीर में पड़ता है, आपको हमने अभी बताया था कहाँ पड़ता है दोस्तों, कश्मीर में पड़ता है। और यही मालिक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है, और हमें गड्ढानुमा घर मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। मौसम के अनुसार यहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है। महदहा की बात अगर हम लोग कर दें, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये स्थल है। मेहरगढ़ अभी अब आप लोग देख चुके हैं, बुर्ज होम के बारे में आपको जानकारी दे ही चुके हैं। चिरांद देखिए ये बिहार में पड़ता है दोस्तों, ये चिरांद बिहार में पड़ता है। और यहाँ पर जो है हमें हड्डियों के औजारों की प्रधानता मिली है, कहाँ की, हड्डियों के औजारों की प्रधानता यहाँ पर हमको मिली है। क्यों, हड्डियों की औजार मतलब किस जानवर के हड्डियों के औजार, तो मतलब जैसे आप हिरन, ठीक है, हिरन के सींग के बने हड्डियों के औजार हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं चिरांद से, ठीक। तो इस प्रकार हमारा जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि मनुष्य ने सबसे पहले
किस धातु के औजार बनाए, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु के औजार बनाए, तो जिनमें आपके ऑप्शन चार ऑप्शन है, पहला पीतल है, दूसरा लोहा है, तीसरा तांबा है, चौथा कांसा है। दोस्तों क्या है दोस्तों? कांसा है। तो देखिए ये चार ऑप्शन है जिनमें से कि एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। तो आपको हम बताने जा रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, तांबा। तांबा इसमें ऑप्शन सही होगा क्योंकि विश्व में पहली खोजी गई धातु, विश्व में पहली खोजी गई धातु कौन सी थी? धातु तांबा थी। क्या थी? तांबा थी। विश्व में सबसे पहली खोजी गई धातु तांबा ही थी। जिस प्रकार हमें ताम्रपाषाणकालीन संस्कृत का विकास हुआ, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृत का विकास हुआ, और संस्कृत का विकास जो है वो करीब 5000 ईसा पूर्व मान सकते हैं हम लोग, 5000 BC के आसपास हुआ। ठीक है ना दोस्तों? और कहाँ कहाँ हुआ? तो राजस्थान का अगर एरिया हम लोग देखना चाहें तो दक्षिण पूर्वी भाग पर, फिर मध्य प्रदेश का यदि देखना चाहें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ठीक है। इस प्रकार महाराष्ट्र में पूरी तरीके से फली फूली, महाराष्ट्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है ताम्रपाषाणकालीन संस्कृत का, कैल्कोलिथिक पीरियड का। तो इस प्रकार ताम्रपाषाणकालीन संस्कृत का विकास होता है हमारे जीवन में, कि जब विश्व में सबसे पहली धातु खोजी गई तो वो तांबा खोजी गई। तो सबसे पहले जो औजार बने वो धातु में तांबा में बने। लोहे के औजार आपको मिलेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड में, ठीक है ना दोस्तों? पोस्ट वैदिक पीरियड में प्राप्त होंगे, ठीक है ना। और कांसा सबसे ज्यादा जो बनाना जानते थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बनाना जानते थे। समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये तीसरा क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है हमारा, और चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? तो आपसे अभी डिस्कस कर भी चुके हैं हम लोग, और चार ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन मेहरगढ़ है, दूसरा ऑप्शन गुप्तकराल है, तीसरा बेल्लारी है, और चौथा आजमगढ़ है। तो आपको बता दें कि जो मेहरगढ़ है, ये चार ऑप्शन में यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों, मेहरगढ़ सही होगा। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है ये दोस्तों? पाकिस्तान, अभी हम बता चुके हैं आपको, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। और कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ। अगर बताया जाए आपको तो कपास का भी प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से हमें प्राप्त हुआ, दोस्तों कहाँ से? मेहरगढ़ से। और ये गुप्तकराल एक प्रकार का क्या था दोस्तों? ये एक स्थल था, और ये जो है हमें कश्मीर में मिलता है दोस्तों। कहाँ मिलता है? कश्मीर में मिलता है, ठीक है, बुर्ज होम स्थल पे एक साइड है, यहीं से हमें गुप्तकराल का एक जो है एविडेंस मिलता है। बेल्लारी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। आजमगढ़, ठीक है। तो इस प्रकार ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? तो पांचवा क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो जल्दी से अपने ऑप्शन को पुष्ट करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस चार ऑप्शन जैसे मेहरगढ़, दूसरा आजमगढ़, तीसरा कोल्डी हवा, और चौथा सरायनाहर। तो आपको मैं बता दूं कि जो है मेहरगढ़ से आप जानते ही हैं, कोल्डी हवा और सराय नहर। अब ये चावल के प्राचीनतम साक्ष्य पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन सही होगा, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज बेलन नदी घाटी के पास कोल्डी हवा एक स्थान है दोस्तों। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला, चावल का
प्राचीनतम सांच कहां से मिला हमें, प्राचीनतम सांच हमें कहां से दोस्तों मिला, ये यही जगह से मिला, कोल्डी हवा से हमें प्राप्त हुआ। और सराय नहर के बारे में आप लोग जानते हैं, यहाँ से हमें युद्ध के प्रमाण प्राप्त हुए। तो इस प्रकार पांचवा क्वेश्चन सॉल्व होता है। और अब चलते हैं अगले सिक्स नंबर क्वेश्चन पर। और सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है सोन नदी, दूसरा ऑप्शन है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, तीसरा है खनिज के लिए, चौथा है बौद्ध प्रतिमाओं के लिए। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से अपने ऑप्शन को क्लियर करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि इसमें जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, क्योंकि विश्व की सबसे पुरानी गुफा यहीं से हमें प्राप्त होती, यहीं पर लोग रहते थे और अपनी चित्रकारी का प्रयोग करते थे दोस्तों, चित्रकारी का प्रयोग करते थे दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है आपका ये सिक्स नंबर ऑप्शन का जो है बी सही हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया है कि गुफाओं के शैल चित्र भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अब चलते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन पर। और सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनाज की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, किस पीरियड में प्रारंभ हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों सेवन नंबर क्वेश्चन में कि अनाज की कृषि सर्वप्रथम किस पीरियड में प्रारंभ हुई। तो देखिए चार ऑप्शन है, नवपाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है पुरापाषाण काल और चौथा है उच्च पुरापाषाण काल। जैसे इंग्लिश में देखें नियोलिथिक पीरियड, मीसोलिथिक पीरियड और पुरापाषाण को हम लोग कहते हैं पैलोलिथिक पीरियड और उच्च पुरापाषाण को कहते हैं हम लोग जो है अपर पैलोलिथिक पीरियड। तो इस प्रकार ये चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। तो आपको बताने जा रहे हैं पहला ऑप्शन सही होगा नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल। अब देखिए नवपाषाण काल, यहां तो एक सबसे बड़ी बात यह हुई कि कृषि के प्राचीनतम हमें सांच मिले, कृषि के प्राचीनतम सांच हमको प्राप्त हुए। और वो कहां से प्राप्त हुए दोस्तों, आपको बता दे मेहरगढ़ से। कहां से दोस्तों प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, ठीक है। दूसरी बात, यहां से एक और काम हुआ नवपाषाण काल में, स्थाई जीवन का विकास हुआ। और इसकी मुख्य विशेषता क्या रही, इस काल की मुख्य विशेषता क्या रही, सबसे पहले तो ये देखेंगे। मुख्य विशेषता दोस्तों ये रही कि इस काल में जो औजार थे, जो हमारे वेपन्स थे, जो टूल्स थे, वो कैसे थे, पालिशदार औजारों की प्रधानता हुई, पालिशदार औजार बनने लगे थे। तब मतलब अब रसायन का प्रयोग लोगों ने औजारों में करने लगे थे, इसलिए पालिशदार औजारों की प्रधानता इस पीरियड में हमें दिखलाई देती है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग पूरी तरीके से। और बहुत सारे स्थल इसी काल में हमें मिले, जैसे हमें यहाँ से बुर्ज होम मिला, ठीक है, बुर्ज होम एक स्थल है। दूसरा स्थल चौपानी मांडा हमें प्राप्त हुआ और ये दोस्तों उत्तरी प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ से हमें मृत भांड के प्राचीनतम सांच मिले, ठीक है, प्राचीनतम सांच मिले, समझ गए ना आप लोग, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर आप सबसे पहले ध्यान देंगे, यहाँ पर एक और स्थल हमको प्राप्त हुआ, जैसे कि हम बात करें कि चिरांद की बात अगर करें, आपको बता चुके हैं चिरांद की बात करें, तो यहाँ पर हमें हिरन के सींगों के औजार हमें प्राप्त हुए, ठीक है ना। और क्या हमें नियोलिथिक पीरियड से क्षेत्र मिले, जैसे हमें कोल्डी हवा, चौथा हमारा कोल्डी हवा, यहाँ से एक स्थल और प्राप्त हुआ। और ये सारे स्थल हमारे नियोलिथिक पीरियड के ही हैं, बुर्जोम, चौपानी मांडा, चिरांद और कोल्डी हवा, ये सारे स्थल हमारे कहाँ से संबंधित है दोस्तों, ये सारे स्थल हमारे जो है नियोलिथिक पीरियड से ही संबंधित है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे मध्य पाषाण काल। देखो मध्य पर दूसरा ऑप्शन आपके पास मध्य पाषाण काल है, तो मध्य पाषाण काल में भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि मध्य पाषाण काल जिसे हम लोग कहते हैं मीसोलिथिक पीरियड, इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, सबसे पहले तो यहाँ पर पशुपालन के सांच हमें मिले, पशुपालन के सांच हमको प्राप्त हुए,
सांच प्राप्त हुए। दूसरा नंबर, यहां पर हमें औजार छोटे हो गए, औजार छोटे हो गए, ठीक है ना, जिन्हें हम लोग क्या कहने लगे, माइकोलिथिक कहने लगे, माइकोलिथिक कहने लगे दोस्तों, ठीक है ना। तीसरी बात, यहां पर तीर कमान का प्रयोग हुआ, तीर कमान का प्रयोग चालू हो गया दोस्तों, ठीक है, तीर कमान का प्रयोग भी चालू हो गया। चौथा नंबर, यहाँ पर मृतभांड की शुरुआत होती है दोस्तों, मृतभांड की भी शुरुआत हो जाती है, मिट्टी के बर्तनों की भी शुरुआत हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। दूसरी बात, यहाँ पर क्या है, औजार जैसे यहाँ पर हमें कौन कौन से मिलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर जैसे खुरचनी, मतलब खुरचने के लिए। अब खुरचनी का प्रयोग लोग क्या किस रूप में करेंगे, यहाँ पर खुरचनी औजारों में खुरचनी हो गया, फिर गड़ासा हो गया, इस काल के औजारों की बताएं तो खुरचनी में जानवरों की खाल को खींचने के लिए, गड़ासा कटिंग करने के लिए, ठीक है। मनुष्य आज भी अभी खाद संग्राहक ही था, और यहाँ तक आते आते अब लोग बड़े जानवर से छोटे जानवरों पर शिकार करने लगे थे, छोटे जानवरों का शिकार करने लगे थे, समझ गए होंगे आप लोग। तो इस प्रकार मध्य पाषाण काल हमारा क्लियर होता है, और पूरा पाषाण काल में सबसे महत्व बात यह होती है कि सबसे पहले हमारे यहाँ आग की खोज इसी काल में होती है, आग की खोज इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता होती है पूरा पाषाण काल में, आग की खोज। और उच्च पूरा पाषाण काल में एक मुख्य विशेषता होती है, मुख्य विशेषता क्या होती है कि इस काल में दोस्तों, इस काल में दोस्तों आपको बता दें होमो सेपियंस करके एक मानव की उत्पत्ति होती है, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस मानव की उत्पत्ति होती है, ठीक है, मानव की उत्पत्ति। और मानव का उदय बताया जाता है कि करीब 50,000 ये 50,000 ईसा पूर्व के आसपास ये होमो सेपियंस का उदय हुआ था दोस्तों। तो इस प्रकार 7 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। अब देखिए, मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो उसमें पहला मतलब खाद्यान्न के रूप में उन्होंने सबसे पहले, देखिए पहला है बाजरा, दूसरा है चावल, तीसरा है गेहूं, और चौथा है जौ। तो ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, तो इस चार ऑप्शन में आपको डाउट हो रहा हो क्या कि हम गेहूं लगाएं या जौ लगाएं, तो आपको बता दें इसमें जौ सही होगा। सबसे पहले खाद्यान्न फसल के रूप में उन्होंने जौ का ही प्रयोग किया था दोस्तों, ठीक है ना। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज के रूप में जौ, आपको मालूम है गेहूं और जौ की जो किस्में हमें मिली थी, वो किस्में कहाँ से मिली थी, वो मेहरगढ़ से मिली थी। कहाँ से मिली थी दोस्तों, मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुई थी दोस्तों, मेहरगढ़ से प्राप्त हुई थी। मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ था, गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्मों के प्रमाण हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। और इस किस पीरियड से संबंधित है दोस्तों कृषि का, तो वो आपको मालूम होना चाहिए, कृषि का जो सांच हमको मिला वो नियोलिथिक पीरियड में मिला। किस पीरियड में मिला, नियोलिथिक पीरियड में हमें प्राप्त हुआ, ठीक है ना, ये क्लियर होता है। और चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पर, और 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव को आग की जानकारी कब प्राप्त हुई थी, मानव की आग की जानकारी कब प्राप्त हुई थी। तो पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है ताम पाषाण काल, और चौथा है नव पाषाण काल। तो देखियो, चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, तो आपको बता दें इसमें पहला ऑप्शन सही है, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब पैलोलिथिक पीरियड में ही हमें आग की जानकारी मिली थी। देखिए, इस समय मौसम बहुत ठंडा था, मौसम बहुत ठंडा था दोस्तों, बहुत ठंडा था, ठीक है ना। और ये लोग आग का प्रयोग जो है, आग का प्रयोग नहीं किया, परंतु आग की खोज प्रयोग नहीं किया, परंतु आग की खोज कर ली थी। इसका मतलब ये हुआ कि आग की खोज कैसे हुई होगी दोस्तों, तो आग की खोज अचानक पत्थरों को तोड़ने से उत्पन्न चिंगारी से हुई होगी। पत्थरों के तोड़ने के दौरान हुई होगी, दौरान आग की खोज हो गई होगी। मगर इसका जो प्रयोग हुआ था दोस्तों, उसका प्रयोग हुआ जाके किस काल में हुआ, वो हुआ जाके मध्य पाषाण काल में,
मध्य पाषाण काल में दोस्तों आग का प्रयोग हो गया, क्योंकि इस समय के लोग अब मांस को पकाकर खाने लगे थे। क्योंकि आग का प्रयोग दो भागों में हो सकता है। देखिए आग का प्रयोग किन किन रूपों में लोग करेंगे। सबसे पहले आग का प्रयोग जो लोग जो है बड़े जानवरों से सुरक्षा के लिए, बड़े जानवर से सुरक्षा के लिए करेंगे, ठीक है ना, बड़े जानवरों से सुरक्षा के लिए करेंगे। दूसरी बात, आग का प्रयोग जो है क्या कहते हैं, मांस को पकाने के लिए करेंगे, मांस को पकाने के लिए ये प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, पकाने के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये लोग आग का प्रयोग इस रूप से करने लगे होंगे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो है मध्य पाषाण काल मिसोलिथिक पीरियड में ये लोग आग का प्रयोग करने लगे होंगे, और ताम पाषाण कालीन संस्कृत में मतलब ये करीब 5000 BC के आसपास फली फूली, कैल्कोलिथिक पीरियड, और इसी पीरियड के नाम से ही ताम पाषाण कालीन संस्कृत का विकास होता है। और इसी काल में कई प्रकार की संस्कृत का भी जन्म होता है, जैसे जोरवे संस्कृत का, जैसे मालवा संस्कृत का, ठीक है। इस प्रकार की संस्कृत का निर्माण जो होता है वो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृत के पीरियड पर ही होता है। और नियोलिथिक पीरियड, और ये सबसे अंतिम पीरियड होता है प्रागैतिहासिक काल का। और नियोलिथिक पीरियड में क्या होता है कि मानव काफ़ी आगे निकल गया होता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। और यहाँ की मुख्य विशेषता थी पालिशदार औजार। ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, इसकी मुख्य विशेषता ही थी पालिशदार औजारों की प्रधानता, ठीक है ना। और यहीं पर हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हमारा 9 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और चलते हैं हम लोग 10 क्वेश्चन की तरफ। और देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, माइकोलिथिक औजार संबंधित है। तो इसमें पहला ऑप्शन है नवपाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, और चौथा है निम्न पूरा पाषाण काल। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, और चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए अपने ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ को आपका जो क्वेश्चन सही होने जा रहा है ये है मध्य पाषाण काल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिसोलिथिक पीरियड। और इसी मध्य पाषाण काल में पहले पत्थर के औजार होते थे, तो पत्थर के औजार ये लोग मतलब उसका इस्तेमाल किस रूप में करते थे, केवल जानवरों को मारने के लिए, जानवरों को मारने के लिए करते थे। और फिर धीरे धीरे ये पत्थर तोड़ करके औजार बनने लगे थे, बहुत सारे औजार बनने लगे थे, औजारों की प्रधानता हमको देखने को मिल जाती है। तो जब औजार बनने लगे थे तो यहाँ तक आते आते मध्य पाषाण काल तक आते आते औजार कैसे हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। इसी प्रकार के औजारों को हम लोग माइकोलिथिक औजार कहते हैं। और इनकी जो लंबाई थी वो 1 से 8 सेंटीमीटर हुआ करती थी, ठीक है ना, 1 से 8। में इस तरह के औजारों को यदि आप लोगों को देखना है तो गूगल में सर्च करके माइकोलिथिक औजार आप डाल करके वो सारे औजारों के बारे में आप देख सकते हैं कि किस तरह के औजार हुआ करते थे मिसोलिथिक पीरियड में। अब बात करते हैं सी नंबर में उच्च पूरा पाषाण काल। और उच्च पूरा पाषाण काल देखिए दोस्तों ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर सबसे बड़ी उपलब्ध जो होती है दोस्तों यहाँ पर जो होती है वो होती है कौन सी, यहाँ पर होती है एक तो सबसे पहले होमोसेम्पियंस मानव होता है, जो आधुनिक मानव कहा जाता है, होमोसेम्पियंस मानव का उदय होता है दोस्तों, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक मानव कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ से हमें क्या मिला था, एक भीमबेटका गुफा का भी प्रमाण इसी पीरियड में हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमारा जो है अपर पैलोलिथिक पीरियड कंप्लीट होता है, उच्च पूरा पाषाण काल जिसे कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं निम्न पूरा पाषाण की तरफ, और निम्न पूरा पाषाण काल मतलब होता है जो है लोवेस्ट पैलोलिथिक पीरियड। अब निम्न पूरा पाषाण काल में कुछ विशेष ऐसी बात नहीं थी दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि निम्न पूरा पाषाण काल में सिर्फ केवल मानव आग की खोज कर ली थी दोस्तों, क्या है, आग की खोज संपन्न कर ली थी। और अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फलक संस्कृत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, PGT पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फलक संस्कृत। फलक संस्कृत किस काल से संबंधित थी दोस्तों? तो फलक संस्कृत में पहला ऑप्शन निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है उच्च पुरापाषाण काल, और तीसरा है मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है, और चौथा है मध्य पाषाण काल। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों। तो ये चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए। तो मैं आपको सही बताने जा रहा हूं, सी नंबर सही है, मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है। और मध्य पुरापाषाण काल जो है वो पाषाण काल में, मतलब यदि हम लोग चलें तो पूर्व पुरापाषाण काल के पूरा पाषाण काल हम लोग लिखते हैं, पूरा पाषाण काल में एक काल को पूरा पाषाण काल भी बोलते हैं, पूर्व पुरापाषाण काल भी बोलते हैं, या निम्न पुरापाषाण काल, तो किसी भी तरीके से हम बोल सकते हैं। तो पूरा पाषाण काल के तीन पार्टों में हम लोग विभक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पता नहीं है, देखिए इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जैसे निम्न पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण काल में क्या होता है कि पूर्व पुरापाषाण काल का पहला पीरियड था ये, और जो उच्च पुरापाषाण काल था ये थर्ड पीरियड था इसका, और जो सी नंबर ये सेकंड पीरियड था पूर्व पुरापाषाण काल का। तो इसी जो सेकंड वाले में ही जो है फलक संस्कृत का विकास होता है, और ये फलक संस्कृत ऐसे करके औजार होता है और इसका तोड़ करके दो भागों में विभाजित, ये छोटा जो टुकड़ा होता है इसे हम लोग बोलते हैं फलक। क्या बोलते हैं? अब इसी फलक टुकड़े को तोड़ करके लोगों ने औजार बनाना सीख लिया था, और इसी काल में इस संस्कृत को तोड़ने की, इस औजार की बनाने की जो संस्कृत थी, इसी संस्कृत का नाम हमने दिया फलक संस्कृत। तो ये मध्य पुरापाषाण काल में विकसित होती है, और मध्य पाषाण काल जो होता है वो पूर्व पाषाण काल के बाद ही आता है दोस्तों, ठीक है ना, मतलब पूरा पाषाण काल के बाद आता है, ठीक है। इस प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है जल्दी से बताइए। कपास का प्राचीनतम सांच कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कपास का जो प्राचीनतम सांच, इसमें चार ऑप्शन है, पहला है मेहरगढ़, दूसरा है बागाव, तीसरा है मादहा, चौथा है भीमबेटका। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि कपास का प्राचीनतम सांच कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से कृषि के सारे प्राचीनतम सांच यहीं से मिले हैं। अगर हम अनाज की बात करें तो मेहरगढ़ से है, कपास का प्राचीनतम सांच है तो मेहरगढ़ से ही है। तो मेहरगढ़ एक पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक स्थल प्राप्त हुआ था जहाँ से हमें प्राचीनतम कृषि के प्रमाण मिले, जैसे कृषि के प्रमाण में जैसे कपास के सांच मिले, गेहूं के प्रमाण मिले, इसके बाद जौ के प्रमाण मिले। दूसरे नंबर दूसरा ऑप्शन कह रहा है बागौर। बागौर से आपको मालूम है कि ये राजस्थान में पड़ता है बागौर, और बागौर से हमें पशुपालन के प्रारंभिक सांच मिले जो मिसोलिथिक पीरियड से संबंधित है, मतलब मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल है ये, मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, देख लीजिएगा आप सभी लोग। महादहा, महादहा देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित है, और भीमबेटका की गुफाएं एमपी से हमें जो है एमपी में मिली हैं, जहां पर हमें बहुत प्राचीनतम हमारे रहन सहन की व्यवस्था का जिक्र यहीं से हमें पता चलता है कि वो लोग कैसे शिकार करते थे, किन किन जानवरों को मारते थे, खाद का किस रूप से संग्राहक करते थे, ये सारी चीज़ों का अपना जो है गुफाओं में अपने चरित्र को दिखाया उन्होंने, अपने कामकाज को दिखाया, अपने कार्य को दिखाया उन्होंने। तो भीमबेटका से हमें बहुत सारी जानकारी प्रागैतिहासिक काल की प्राप्त होती है, और भीमबेटका गुफा जो है ये किस पीरियड में खोजा गया था दोस्तों? तो उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ये याद रखना है आपको। उच्च पूरा पाषाण काल में हमें भीमबेटका की गुफाएं प्राप्त हुई थी, जो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, बहुत बार पेपर में पूछा गया शैलचित्र के लिए, मतलब शैलचित्र गुफाओं के लिए, शैलचित्र गुफाओं के लिए, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। और चलते हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए यही क्वेश्चन आ गया जो अभी आप हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, पालिशदार औजार। अब देखिए पालिशदार औजारों की प्रधानता किस काल से संबंधित है, हमें पीरियड इसमें बताना है दोस्तों। मध्य पाषाण काल, दूसरा है नौ पाषाण काल, और तीसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और चौथा है पूरा पाषाण काल। तो ये चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए। तो इसमें ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कौन सा सही होगा दोस्तों? बी नंबर, नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल नियोलिथिक पीरियड में पालिशदार औजार बनने लगे थे, क्योंकि इस काल में दोस्तों आपको बता दें रसायन का प्रयोग होने लगा था, और रसायन के ही मौजूदगी के कारण उन्होंने औजारों को बहुत ही
चमक दमक करके औजारों को बनाने की कला सीख ली थी दोस्तों, वो थी नवपाषाण काल में। तो इस प्रकार से हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा जो है 14 नंबर क्वेश्चन। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव द्वारा नवपाषाण काल में किस जानवरों को पहले पालतू बनाया गया दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, पहला ऑप्शन गाय है, दूसरा घोड़ा है, तीसरा बकरी है और चौथा कुत्ता है। तो सबसे पहले मानव ने जो है एक जानवर है जिसका नाम डॉग है, इंग्लिश में बोलते हैं कुत्ता। कुत्ता एक ऐसा जानवर होता है दोस्तों, आपको मालूम बहुत सारी जगहों से हमें कुत्ते के प्रमाण मिले हैं। तो सबसे पहले लोगों ने कुत्ते को ही पालतू बनाया होगा, क्योंकि कुत्ता एक ऐसा जानवर था कि एक वफादार जानवर के रूप में शुरुआत से ही और आज भी कुत्ता हमारे लिए एक वफादार जानवर होता है। कुत्ता इसलिए आपको देखा होगा बुर्ज होम नामक एक स्थान जहां से हमें पालतू कुत्ता है जो मालिक के साथ अपने दफनाए जाने का प्रमाण हमें प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार हम लोग बता सकते हैं कि न्यूलिथिक पीरियड में ही एक बुर्ज होम स्थल से हमें ऐसा प्रमाण मिलने से लोगों के दिमाग में यही आ रहा है कि सबसे पहला जो जानवर पालतू बनाया गया होगा वो कुत्ता ही होगा। डी नंबर ऑप्शन सही है। इस प्रकार चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि मानव का सर्वप्रथम सांच भारत में कहां से मिला। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मानव की खोपड़ी सबसे पहले मिली और मानव की खोपड़ी सबसे पहले कहां मिली, किस घाटी से मिली दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है नर्मदा घाटी, दूसरा है बेलन घाटी, तीसरा है सोहन घाटी और चौथा है कश्मीर घाटी। तो चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, तो जल्दी से बताइए। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी ये मध्य प्रदेश में हथनौरा एक जिला पड़ता है, हथनौरा जिला मान ले या कोई स्थान मान ले, और यहीं से हमें मानव की खोपड़ी का प्रमाण नर्मदा घाटी से हमें प्राप्त होता है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और सोहन घाटी जो है पाकिस्तान क्षेत्र में है, और कश्मीर घाटी अपने जो है जम्मू कश्मीर राज्य में कश्मीर क्षेत्र में स्थित कश्मीर घाटी है। तो इस प्रकार हमारे 15 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार यदि हमारे सेशन में आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन में किसी प्रकार डाउट्स आपको लग रहे हैं कि ये डाउट्स हमें हैं और अभी हमें पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुए, तो आप कमेंट के माध्यम से ये सारी बातें आप पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो फिर अब सबसे पहले आप लोग हमारे सेशन को यदि लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।